हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरम पूल के नए वीडियो में। सो गाइस, आज हम वापस एक बार कैरम पूल खेलने वाले हैं। आज हम कैरम पूल में दुबई स्काइबर में 3 गेम प्ले खेलने वाले हैं। उसमें से एक गेम प्ले आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है, पर बाकी के 2 गेम प्ले में थोड़ा बहुत ही मैं कन्फ्यूज़ हुआ था। पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखो, आपको मज़ा आएगा। आई थिंक कुछ शॉर्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। और सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि आपको यहाँ पर कैरम और क्राफ्ट्समैन के वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर इस बंदे ने मेरे को बहुत अच्छे से रिलीज़ करके दे दिया है। अभी मैंने कनेक्शन मार दिया, अभी मैं इसको इस तरीके से मारूंगा। भाई साहब, वो नीचे जाके रिबॉन्ड हो गया। ओ भाई, सच्ची में यार, अपना डार्क स्फीयर कभी कभी है ना बहुत ज़्यादा लकी होता है अपने लिए। पर कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर बहुत अच्छे से गेम चल रहा है। आई थिंक मेरे को सारे चांसेस है। मैं इसको ऐसे मारूंगा तो आई थिंक मेरा बीच में से रिलीज़ हो जाएगा, और रिलीज़ हो चुका है। अब मैं सारे चांस मेरे को एकदम फ्री है, मतलब मैं उनको मार सकता हूँ। देखते हैं, अभी यहाँ पर ये वाला चांस भी एक है। उसके बाद मेरे को जो ये टॉप लेफ्ट में है ना, उसको मारना होगा कट। उससे ना ये नीचे वाला है ना, उसको हम मार सकते हैं। देखो, ये भी हो चुका है, और अभी इसको हम छोटा सा एक कट मारेंगे। और इसके साथ ही हमने ये गेम प्ले बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से जीत लिया है। तो अभी हम सेकंड गेम प्ले की तरफ चलते हैं। इस गेम प्ले में भी देखते हैं यार, हमको एक ही चांस में सब कुछ जीतना। ओ भाई, ये क्या था? मतलब मैंने एकदम क्लियर मारा था, फिर भी मेरी पक गई नहीं, पुट हुई नहीं यार पक। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर हमको एक चांस मिल चुका है। हमारे बंदे ने बहुत अच्छे से रिलीज़ करके दे दिया है। और मेरे को ये मेरे को खुद को अपने क्वीन अपने जो पक से उनको रिलीज़ कैसे करना है, ये समझ नहीं आ रहा। देखते हैं, अभी मेरे को एक यहाँ पर रिबॉन्ड है। इस रिबॉन्ड को मारने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, पर फिर भी को एक बार मार कर देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। यार कुछ भी नहीं हुआ। शिट यार, ये गेम प्ले फंस गया पूरा का पूरा। कोई बात नहीं, अब यहाँ पर इस बंदे को चांस मिल चुका है। और ये देखते हैं भाई, हमको चांस देने वाला है कि नहीं। ये बंदा भाई साहब बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बंदा लग रहा है। मतलब इतना भी नहीं, पहला शॉट ये देखो भाई, खतरनाक बंदा तो है। अभी उसने बहुत अच्छा रिबॉन्ड मारने की कोशिश की थी, पर उसके ट्राइकर की पावर नहीं थी आई थिंक, इसकी वजह से उसका शॉट गया नहीं। और गाइस, आपने अभी एक शॉट देखा, मैंने वहाँ को मारा था पर यहाँ पर एक पक चली गई। बहुत सही यार, अब यहाँ पर ये गेम प्ले भी हमने बहुत ज़्यादा सही तरीके से जीत लिया है, क्योंकि भाई मैंने बहुत अच्छे से, मतलब वो शॉट नहीं गया होता तो गेम प्ले हारने वाला था। तो अभी हमारे साथ आ चुके हैं ओम भाई, उनको पहली चांस मिल चुकी है। देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। और ये क्या था भाई? तो मैं यहाँ पर स्लोली मारूंगा एक, और यहाँ से ऐसे रिलीज़ करने की कोशिश करूँगा। तो अभी यहाँ पर ये चांस है, मैं इसको ऐसे मारूंगा। मैं कनेक्शन नहीं मारने वाला, क्योंकि मैंने देखा है वैसे कनेक्शन मारता हूँ मैं तो मेरा शॉट मिस हो जाता है। और ये भी बहुत सही, अभी इसको भी मारूंगा, देखते हैं उससे कुछ रिलीज़ होता है क्या। और इसको मैंने मारने की कोशिश की, पर भाई साहब मिस हो गया। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर ये देखो भाई, इनको ये चांस भाई यार, कभी कभी ये रिबॉन्ड होता है ना, बहुत सही लगता है ऐसे। मतलब मेरा भी पिछली बार हुआ था एक गेम में, आपने देखा होगा। पर अभी देखते हैं, अभी आप ये भाई तो बहुत अच्छे से रिलीज़ कर रहे हैं। इनका एक पक सिर्फ फंसा हुआ है, बाकी सारे इनको मारने के लिए हैं। तो देखते हैं, अभी यहाँ पर इसको मार के भाई, इसको थोड़ा सा कट मार देना तो बीच का रिलीज़ हो जाता। और भाई साहब इससे होने वाला है। शिट यार, नहीं यार, अभी एक पक फंसा हुआ है गाइस। यार एक पक से अभी हम जीतेंगे गेम को। भाई साहब बेचारे बहुत अच्छे प्लेयर थे, पर फिलहाल उनकी एक पक की वजह से पूरा गेम प्ले जा चुका है। मतलब ऐसा हो यार, अगर एक पक भी नहीं गई तो भी हमको गेम हारना पड़ता है। आज मैंने प्लेड स्कूल ज़्यादा खेले, क्योंकि है ना प्लेड स्कूल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने एक बार खेला तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। वो क्वीन के चक्कर में हमको नहीं पड़ना, क्वीन के लिए हमको डबल डबल निकालना पड़ता है। कोई बात नहीं गाइस, अभी हमने बहुत अच्छे से खेल लिया है आई थिंक। ये जो ये प्लेयर है ना, ये बहुत सही वाला प्लेयर है, पर ये गेम प्ले में हाफ ही रिकॉर्ड कर पाया। इस प्लेयर का है ना स्कैम हो जाता है। ये एक बढ़िया सा शॉट मारता है, देखो सारे शॉट एकदम पावर में मार रहा है गाइस, आपने देखा होगा। इसका फॉल हो जाता है, और उसकी वजह से मैं ये गेम प्ले जीत जाता हूँ, पर ये गेम प्ले हाफ ही रिकॉर्ड हो पाया। इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर ये गेम प्ले आप हाफ ही देख लो। इसमें बहुत सही खेल रहा था, मेरे सारे चांस मेरे को थे, पर फिर भी ये गेम प्ले हाफ रिकॉर्ड हुआ है। तो गाइस कोई बात नहीं, आज की वीडियो में आपको आई होप मज़ा आया होगा। मैं कोशिश करूंगा दुबई स्काइबर के बाद मैं मुंबई अरेना में खेलूं, पर उसमें मैंने आज भी कोशिश की थी, पर मैं इतना अच्छा नहीं खेल रहा था। तो फिर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे और ज़्यादा पैसे, मतलब कैरम में पैसे कमाने की और आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाने की। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर आपको क्राफ्ट्समैन के वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं और कैरम के भी। तो चलता हूँ, बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।